أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the Code of Civil Procedure 1908 and the today's topic is the written statement. A written statement is the one of the fundamental topic from the civil litigation and it is the second step of the civil litigation. So let's start it with the introduction. It is the part of the pleading. It is the answer of the defendant in response to the plaintiff made in response to the plaint made by the plaintiff. Asal mein jawab dawa mudda alay ka jawab hota hai muddai ki jama karwaye gaye दावे के जवाब की सूरत में जहाँ पर वो मुद्दई के लगाए गए इल्जामात का जवाब देता है. इट इज़ अ रिप्लाई स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन अ सूट स्पेसिफिकली डिनाइंग द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम बाय द प्लेंटिफ इन हिज प्लेंट. और इसमें होता क्या है, इसमें मुद्दा अलह मुद्दई की जानिब से लगाए गए इल्जामात जो के बतौर दावा थे उनसे इनकार करता है और उनका जवाब देता है. द रिटन स्टेटमेंट हैज अ कोर इम्पॉर्टेंस इन द सिविल सूट्स. विद इट द प्रोसीडिंग विदाउट इट द प्रोसीडिंग कैन नॉट बी एंटरटेन्ड. और जवाब दावे की दीवानी मुकदमात में सिविल सूट्स में बड़ी ही ज़्यादा अहमियत है और इसके बगैर यानी जवाब दावा जमा करवाने के बगैर सिविल लिटिगेशन का चलना बहुत ही महाल होता है. डेफिनेशन. नो पार्टिकुलर डेफिनेशन हैज बीन मेड फॉर द रिटन स्टेटमेंट अंडर द सिविल लॉ. इट इज द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट वेयर इन ही डील्स विद द मटेरियल फैक्ट्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिव in his plaint and also states any new fact in his favor or take legal objections against the claim of the plaintiff. Yun to civil law mein written statement ki koi baqaida se tareef nahi di gayi magar ye mudda alay ka ek jawab hota hai jo ke muddai ne batour dawa uske upar kiya hota hai इल्ज़ामात लगाए होते हैं. तो यहाँ पर उन इल्ज़ामात के जवाबात के बारे में हकायक बयान किए जा रहे होते हैं और इसके साथ साथ अगर कोई नई हकीकत वाक़ पज़ीर हो चुकी है तो उसको भी लाया जाता है, बताया जाता है. और जो दावे में एतराज़ात उठाए गए थे मुद्दई की तरफ से यहाँ पर मुद्दालय उनके जवाब दे रहा है. रेलेवेंट प्रोविजन. ऑर्डर 8 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द रिटन स्टेटमेंट. ऑर्डर 8 मुतालिक है जवाब दावा के हवाले से. व्हेन टू बी सबमिटेड. द डिफेंडेंट शेल एट और बिफोर द फर्स्ट हेयरिंग और विद इन सच टाइम as court may permit present a written statement annexed with the list of all supportive documents for his defense. pehli hi fursat mein pehli tareekh par ya usse pehle ya phir koi bhi adalat ki taraf se muqarrar karda munasib waqt par मुद्दा अलह जवाब दावा जमा करवाएगा. न सिर्फ जवाब दावा जमा करवाएगा बल्कि इस जवाब दावा के साथ तमाम ऐसी दस्तावेजात जो कि उसके जवाब दावा को साबित करने में आसानी पैदा कर रही हों, मुकदमा जीतने के लिए ज़रूरी हों, तमाम लवाजमात साथ लगाएगा. Who may file written statement? Written statement कौन जमा करवा सकता है. Written statement may be filed by defendant or by his duly authorized agent
In case of more than one defendants, the common written statement may be filed, must be signed by all of them, but it is sufficient if it is verified by one of them who is aware of the facts of the case. यूं तो जिसके खिलाफ दावा किया जाता है वही जवाब दावा जमा कराता है, मगर जहां पर एक से जायद मुद्दा अलेहान हों वहां पर कोई एक मुद्दा अलेह सब की जानिब से जवाब दावा जमा करवा सकता है, बशर्ते कि इस जवाब दावे पर उन तमाम मुद्दा अलेहान के दस्तखत मौजूद हों। हाँ, उनमें से कोई एक शख्स जिसको हकायक के बारे में भरपूर इल्म हो इस जवाब दावे की तस्दीक कर दे तो वो काफ़ी होगा। ऑब्जेक्टिव्स, ये रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने की क्या मकासद हैं? इन रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट कैन स्पेसिफिकली डिनाई द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट बाय द प्लेंटिव अगेंस्ट हिम। ही फर्दर कैन क्लेम टू सेट ऑफ एनी सम ऑफ मनी पेबल बाय द प्लेंटिव टू हिम। Further, if the defendant has any claim against the plaintiff relating to any matter in the issue raised in the plaint, then he can separately file a counterclaim along with his written statement. Pehli baat ke mudda alay, bilkhusus muddai ki janib se lagaye gaye ilzamat ka जवाब देता है और उनसे इनकार करता है, और अगर कोई मालियाती दावा है और उसके हिसाब से क्लेम को सेट अप करना है, कुछ पैसे थे, एक शख्स ने दूसरे से कर्ज लिए थे, उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे, उसने उसमें से कुछ दे दिए, कुछ रह गए, तो जो पैसे जमा हो चुके हैं उनके हवाले से सेट अप करना है, तो जो पैसे वसूल हो चुके प्लेंटिव को डिफेंडेंट उनका तस्करा कर सकता है कि कुल 10 रुपये मालियत का मुकदमा था जिसमें से मैं 7 रुपये दे चुका हूँ, अब बाकाया 3 रुपये बाकी रहते हैं, और अगर मुद्दई भी इस बात को मान रहा है तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल। और या फिर मुद्दई ने एक दावा किया और मुद्दालय पर चंद इल्ज़ाम लगाए और इसके जवाब में मुद्दा अलह ने मुद्दई पर मज़ीद कुछ इल्ज़ामात लगाने हैं, तो उसके लिए वो अलहदा से दूसरा दावा करेगा, जिसकी मिसाल ये हो सकती है कि मुद्दई ने दावा किया कि मुद्दा अलह ने उसके 10 रुपये देने हैं, जबकि मुद्दा अलह ये मौक़िफ़ रखता है कि मैंने इसके 10 रुपये नहीं देने बल्कि इसने मेरे 50 रुपये देने हैं, तो लिहाजा इस सूरत से फिर दूसरा अलहदा से दावा हो सकता है। तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में ये फ़र्क है जो मैंने आपको मिसालों से जाहिर किया। पार्टिकुलर्स ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, द नेम ऑफ द कोर्ट, द केस टाइटल, इट मस्ट बी रिप्लाइड इन द कमेंसुरेशन विद द प्लेंट, न्यू फैक्ट्स अबाउट द सूट, द स्पेसिफिक डिनाइल फ्रॉम द ईच एलिगेशन, where the defendant relies upon several distinct grounds, all should be stated separately. आपने देखा कि प्लेंट में कुछ ज़्यादा पार्टिकुलर्स थे, ज़्यादा डिटेल्स थी, जबकि यहाँ पर डिटेल्स कम हो चुकी हैं क्योंकि ऑलरेडी प्लेंट में वो डिटेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जिस अदालत में मुकदमा किया जा रहा है उसका नाम और जिस उनवान के तहत मुकदमा जमा हुआ था सिर्फ वो उनवान, यहाँ पर नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज वगैरह नहीं नजर आएंगी। और ये जवाब दावा जो है उस दावे के मुताबिकत में होना चाहिए जो कि मुद्दई ने किया था। अगर कोई नई हकीकत है, नया फैक्ट है मुकदमे के हवाले से, तो उसको भी लाया जाना चाहिए, और जो मुद्दई ने इल्ज़ामात लगाए उनका बाकायदा से इनकार ज़रूरी है, और जहाँ पर मुद्दा अलह मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात रखता हो इनकार के हवाले से मुद्दई के दावे के,
तो उन तमाम को बाकायदा से जाहिर करना चाहिए, बताना चाहिए। इवेसिव डिनाइल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिफेंडेंट को चाहिए कि वो स्ट्रेट अवे एलिगेशंस का डिनाइल करें, ना कि कोई इवेसिव करे। इवेसिव से मुराद टाल मटोल करना या लमकाना या लंबा करना या डिटेल देना, बिला वजह का लिंगर ऑन करना। वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। दस इफ इट इज अलेज्ड दैट he receive a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that received the particular amount, but must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मुद्दालय को चाहिए कि वो बाकायदा से भरपूर जवाब दे मुद्दई के इल्ज़ामात का, और उनमें कोई लटकाने वाली या टाल मटोल करने वाली बात ना करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मालियाती दावा है और उसमें इसको कुछ रकम का तनाज़ा है, उसमें से कुछ हिस्सा मिल चुका है, तो ऐसा ना कहे कि जी कुछ रकम का हिस्सा मुझे मिल चुका है, कुछ बाकी है, बल्कि बाकायदा से कहे कि 10 रुपये का तनाज़ा था जिसमें से मैं 7 रुपये जमा करवा चुका, अब 3 रुपए बाकी हैं जो कि मुतनाज़ हैं। तो इस तरीके से सीधा साधा साफ सुथरा इनकार करना चाहिए। सेट ऑफ, मैंने पीछे भी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश की है, यहां पर दोबारा, ताकि ये चीज आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाए। जनरली अलाउज द डिफेंडेंट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डैमेजेस दैट द प्लेंटिव क्लेम एनी अमाउंट दैट द प्लेंटिव ओज टू द डिफेंडेंट। काउंटर क्लेम, इट इज क्लेम विच इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेंटिव, इट इज ऑल्सो क्रॉस क्लेम। सेटअप में जो रकम का हिस्सा जिस फरीक के पास पहुंच चुका और वो उसको मान रहा है कि हाँ पहुंच चुका, तो फिर उस हिस्से को माइनस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर लिटिगेशन होगी। जबकि काउंटर क्लेम में मुद्दई एक दावा करता है, मुद्दालय उसके ऊपर दूसरा दावा करता है, जिसको कि क्रॉस क्लेम भी कहा जाता है, तो वो सेटअप से मुख्तलिफ है, उसको सेटअप में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन, The written statement is a reply statement of the defendant to the plaintiff. ज़ाहिर है जो मुद्दई ने दावा किया हुआ था, मुद्दालय का एक जवाबी दावा है, एक जवाब दावा है ये। In this, यानी कि written statement में, defendant states his defense and denies the allegation of the plaintiff as per his material facts. मुद्दई के लगाए गए इल्ज़ामात का, दावाजात का हकायक पर मबनी जवाब देता है, और इस जवाब की सूरत में मुद्दई के लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को गलत कहता, गलत करार देता है, उनसे इनकार करता है। मैंने कोशिश की है कि रिटन स्टेटमेंट को जिस कदर मुमकिन हो आप तक आसान करके पहुंचाऊं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जब आप ऑर्डर 8 पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल बाकी ना रहेगी। अगर फिर भी किसी साथी का किसी प्रोविजन ऑफ लॉ पर या किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन बरकरार है, तो आप कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें, ताकि आने वाले लेक्चर्स के मैसेज अलर्ट्स जो हैं वो आपको टाइमली मौसूल होते रहें। इसके साथ साथ जो साथी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो चैनल को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहा करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लीगल लेक्चर्स, और इसके अलावा कुछ दूसरी ट्रैवल व्लॉग्स भी मौजूद हैं जो कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करेंगे। इंशाल्लाह किसी ऐसे ही लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।
जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।